नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई रजनीश आज आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। आज ये हम सैलसोन का स्टीरियो वाला एम्पलीफायर बोर्ड 30030 पे चला के दिखाएंगे, साउंड टेस्टिंग करा के दिखाएंगे आपको, इसकी वायरिंग भी समझाएंगे। और ये जो अपना सैलसोन का 2.1 वाला एम्पलीफायर बोर्ड है मिड के साथ सबवूफर के साथ, जैसे सबवूफर भी चलता है मिड भी मिलता है हमको। और ये ओरिजिनल सैलसोन का जो है 8252 इसमें ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, ये न्यू बोर्ड लॉन्च हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जो है इसको चलाने के लिए हम ये सैलसोन का ही 12012 1 एम्पियर का ट्रांसफार्मर का यूज़ करेंगे। तो चलिए हम इसकी वायरिंग करते हैं फटाफट से और आप लोगों को सही से समझाते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे देखिए, तो बोर्ड के वायरिंग के बारे में बताता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे जो है आपका 30030 यहाँ पे लगेगा, ये कनेक्टर इस प्रकार से आपका यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 30 प्लस लिखा हुआ है, ये 30+ यहाँ पे लगेगा और 30- बीच में लगेगा। और ये वाला हिस्सा जो है ग्राउंड में है, जो एंड वाला पिन है ये पूरा ग्राउंड का है लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ट्रांसफार्मर के कनेक्शन होंगे। और ये जो ये बड़े वाले कनेक्टर्स हैं 2 पिन के, इसमें आपके स्पीकर्स लगेंगे लेफ्ट राइट के, ठीक है। इसको भी हम लगा लेते हैं, तो एक इस टाइप से लग जाएगा यहाँ पे। और छोटे वाले जो कनेक्टर्स हैं यहाँ पे, इनमें आपकी ऑडियो इनपुट होगी, तो यहाँ पे ऑडियो इन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको ऑडियो इन के कनेक्टर्स लगा देने। और तो इन दोनों का जो हिस्सा है, ये ब्लैक वाला वायर जो ग्राउंड का है, इसको ग्राउंड हम यहाँ पे दोनों अटैच कर लेंगे। इन दोनों को आपस में जोड़ लेना है, ठीक है। इनको जोड़ने के बाद जो है ये दो टर्न, ये अपना लेफ्ट राइट ग्राउंड हो जाएगा, ठीक है। ये लेफ्ट राइट ग्राउंड निकलेगा यहाँ से। और ये जो दो स्पीकर्स, ये दो वायर्स हैं, ये स्पीकर्स की वायर्स हैं, ठीक है। और ये अब चलिए, अब हम वो प्रीएम्प की वायरिंग समझा देते हैं। तो ये प्रीएम्प की जो यहाँ पे देखिए ऑडियो इनपुट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ब्लूटूथ की इनपुट जो होगी वो यहाँ पे होगी, इन कनेक्टर्स में लगेगी यहाँ पे, इसमें पीछे यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे शोल्डिंग कर रखा है। और यहाँ से आउटपुट होगी, जहाँ पे आउटपुट लिखा है यहाँ से ऑडियो आउट होगा। और सबवूफर अगर आपको चलाना है, दूसरा बोर्ड एक लगा सकते हो आप, तो सबवूफर यहाँ से चलेगा, ठीक है। चलिए इसकी भी वायरिंग कर लेते हैं हम। तो जो इसमें ऑडियो इनपुट की वायर्स है यहाँ पे, इसकी ऑडियो इनपुट की वायर हम यहाँ पे देखिए ये कार्ड से देंगे, तो ये कार्ड का जो है लेफ्ट राइट ग्राउंड आपने इसमें लगा देना है, ये लेफ्ट इस प्रकार से कनेक्ट कर देना है, ठीक है। ग्राउंड को ग्राउंड में लगाना है, वायरिंग देख के लगाना वरना हमिंग आएगी एम्पलीफायर में। तो ऑरेंज वाला हमारा ग्राउंड था, हमने ग्राउंड में लगा दिया, ठीक है। कुछ स्टेप से इसकी वायरिंग हो गई है। अब ये जो ऑडियो आउट है यहाँ पे देखिए, ये ऑडियो इनपुट था, ये हो गया। अब ये जो ऑडियो आउट है, ये ऑडियो आउट जो है यहाँ पे हम ऑडियो आउट के कनेक्शन करेंगे। ये जो अपना बोर्ड में से जो इनपुट की वायरिंग थी, इनपुट में जो ये ग्राउंड था अपना, दोनों को हमने यहाँ पे टर्मिनल को, ये जो दोनों टर्मिनल थे इन दोनों के ग्राउंड इनपुट के हमने एक ही कर लिए हैं। तो ये ग्रीन वाला वायर जो है ये ग्राउंड का है, तो ये ग्राउंड को हम ग्राउंड में लगा देंगे। और ये जो दो वायर बचेंगे इन दोनों की, ये लेफ्ट राइट है, लेफ्ट राइट हम किसी भी तरफ लगा सकते हैं, इसको भी हम लगा लेंगे। ये लेफ्ट का हो गया कनेक्शन और ये राइट का हो गया। तो कुछ इस प्रकार से इसकी वायरिंग होगी, ठीक है। ये ऑडियो आउट में हमने इसके कनेक्शन दे दिए, यहाँ पे ऑडियो आउट है अपना, ठीक है। यहाँ पे देखिए बीच में ग्राउंड है, बाकी दोनों पल वाला येलो लेफ्ट राइट है, ठीक है। तो इस टाइप से इसकी वायरिंग हो चुकी है। तो ट्रांसफार्मर के कनेक्शन की बात करें, तो यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर के दोनों जो 220 वोल्ट वायर में जाएंगे यहाँ पे एसी के, ये हम दोनों को आपस में जोड़ लिया है ताकि ये दोनों ट्रांसफार्मर एक साथ ही चालू हो। और इसके जो 12012 की वायर्स है वो
यहाँ पे जो है इस ये अपना जो बोर्ड है ये एसी यहाँ पे डायवर्ट लगा हुआ है, तो ये एसी से चलता है। 12012 यहाँ पे लिखा भी हुआ है, और यहाँ पे कनेक्टर दे रखे हैं, यहाँ पे कनेक्टर दे रखे हैं। यहाँ पे पीछे आपको इस तरीके से इसकी वायरिंग करनी है। येलो वाली वायर जो है दोनों 12 12 12 है, और जो ब्लैक वाली वायर है वो ग्राउंड है। तो ये इसी तरीके से आपको लगाना है ट्रांसफार्मर में। और ये जो दोनों रेड वायर है ये दोनों 12 12 में लगेंगी, और ये अपना ग्राउंड हो गया, ये अपना ग्राउंड हो गया। ठीक है, कुछ इस टाइप से इसके कनेक्शन हो चुके हैं। अब जो है 30030 की हम यहाँ पे ये 30030 की वायर्स हैं। यहाँ पे ये 63 वोल्ट 10000 UF के हम कंडेंसर इसमें यूज़ करेंगे। यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है, ठीक है, अपना ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है। इसका मॉडल नंबर है D35SB80 एम्पियर का ये डाइवर्ट है। तो ये जो दोनों वायर्स हैं इसकी ब्लू वाली यहाँ पे लगेंगी, इसके बीच वाले दोनों टर्मिनल में डायरेक्ट डाइवर्ट के, ठीक है, यहाँ पे लगेंगी। और ये जो कैपेसिटर को यहाँ पे शॉर्ट कर रखा है, प्लस माइनस प्लस फिर माइनस, यहाँ पे आपका प्लस निकलेगा और ये जो है माइनस निकलेगा यहाँ से। और बीच वाला ग्राउंड है, ये दोनों शॉर्ट करा है, ये ग्राउंड है। तो हम इसको जो है कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है, इसी वाली वायर्स में कुछ इस तरीके से लगाना है आपको, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको लगा दिया है, और ग्राउंड वाला हम जो है ग्राउंड में लगा देंगे। ये ग्राउंड में लगा दिया हमने, ठीक है, कुछ इस तरीके से। आपने भी वायरिंग इसी टाइप से करना है, प्लस माइनस देख के लगाना है, वरना बोर्ड आपका तुरंत ख़राब हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप ये 3 तार जोड़ लेंगे सही से तो आपका बोर्ड परफेक्ट चलेगा, ठीक है। तो ये बात करते हैं इस बोर्ड की। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस और ये बीच में ग्राउंड दे रखा है। तो यहाँ पे बोर्ड में जो है रेड वाला अपना प्लस का है, तो इसको प्लस में हम यहाँ पे लगा देंगे कुछ इस टाइप से, ठीक है। अपने वायरिंग सही से करना है बस, इसको देख के ये प्लस लग गया। अब ये जो माइनस का है बीच वाला टर्मिनल, तो ये माइनस का माइनस में लगा देंगे, माइनस भी लग गया। अब ये जो बचा ग्राउंड वाला, ये लास्ट में हमारा ग्राउंड है ब्लैक वाला, तो ये ग्राउंड को ग्राउंड में लगाएंगे। तो ये देखिए तो ये जो है अपना ग्राउंड वाला लग गया है टर्मिनल, ये देखिए ये ग्राउंड वाला भी लग चुका है। तो अब बचे इसके स्पीकर के कनेक्टर्स, तो स्पीकर के कनेक्टर्स हम लगा देते हैं। तो स्पीकर के कनेक्शन हमने कर दिए दोनों। अब ये जो है कार्ड, हम कार्ड कैसे चलाएंगे, कार्ड के लिए 5 वोल्ट चाहिए होता है। तो यहाँ पे देखिए हमने सप्लाई बना रखी है, ये डायवर्ट लगा रखा है 10 एम्पियर का। इसका मॉडल नंबर KBP210, ठीक है, 10 एम्पियर का है। यहाँ पे ये दोनों एसी लगेंगी, इसमें से जो 012 की वायर्स हैं, ये दो वायर्स जो हैं ग्रीन वाली अपने 30030 के ट्रांसफार्मर में से आ रही हैं, इसके अंदर से जो आ रही हैं। ये आपका जो है एसी इसमें लग जाएगा, दोनों वायर्स इसमें लग जाएंगे, ठीक है। ये दोनों एसी के कनेक्शन हो गए, ये दोनों आपने लगा देने कुछ इस टाइप से। इन दोनों वाले टर्मिनल में जो है आपको ये एसी के वायर्स कनेक्ट करने, ठीक है। और इसके प्लस माइनस वाले, प्लस वाले टर्मिनल पे हमने प्लस कैपेसिटर यहाँ पे लगा रखा है 25 वोल्ट 22 UF का। और ये जो दो वायर्स यहाँ से निकलेंगी, प्लस माइनस यहाँ पे निकलेगा 12 वोल्ट, यहाँ पे आ रही है अपने 7805 पे, 7805 की आईसी हमने यहाँ पे यूज़ कर रखी है। यहाँ पे 25 वोल्ट 22 UF का कैपेसिटर है इधर, और जहाँ पे 5 वोल्ट इधर से इनपुट होगा फर्स्ट वाले लेग से, ग्राउंड सेम ही होता है दोनों का, और आउटपुट में जो है 5 वोल्ट निकलता है। तो यहाँ पे जो हमने कंडेंसर लगा रखा है 10 वोल्ट 470 UF का, ठीक है, इस तरीके से सप्लाई बना रखी है इसकी।
कार्ड चलाने के लिए, पे कार्ड के भी कनेक्शन हो गए। चलिए इसको पावर देते हैं, साउंड टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों चलिए हम इसे ऑन करते हैं अभी। ये ब्लूटूथ मोड बोला इसने भी, वेलकम टू सैमसंग साउंड बोलता है ये कार्ड, ठीक है। अब इसके साउंड टेस्ट कर लेते हैं। देखिए दोनों एलईडी यहाँ पे जो है ये जलती है, और हीट देखते हैं। ये बोर्ड हीट तो हो रहा है थोड़ा बहुत, 20% हीट हो रहा है, ठीक है। अब साउंड टेस्ट इसकी कर लेते हैं हम, साउंड लगा। तो ये साउंड टेस्ट देखिए, मैंने अभी सब कुछ इसमें लो कर रखा है, बेस ट्रेबल सब कुछ कम कर रखा है, अभी बस वॉल्यूम है। अब मैं खोलता हूँ ट्रेबल, मिट दी। अब इसकी बेस खोलते हैं, बेस मिड खोलते हैं दोस्तों। इसकी मिड खोल के दिखाता हूं मैं आपको, ये मिड का है टोन, ये देखिए। पीछे रखा हुआ था, यहाँ से यहाँ पे आ गया ये खिसक के। तो साउंड टेस्ट इसकी लाजवाब है, और साउंड विल परफॉर्मेंस 10 इंची के स्पीकर आपके हिला देगा, हिला के रख देगा। और अगर आपको ऐसा एम्पलीफायर बनाना है तो आप एम्पलीफायर बना सकते हैं स्टीरियो, ठीक है। इसमें आपका यही सब सारा सामान लगेगा जो मैंने वीडियो में बताया। तो वीडियो लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर, जिस भाई को चाहिए वो मंगवा सकता है, और दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करें और आप जल्द से जल्द मंगवाएं इस, ठीक है भाइयों। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके टाटा, बाय बाय।
इस अगली वीडियो में मैं इस मोनो बोर्ड का जो है, ये मोनो बोर्ड है हमारे पास एक, इस बोर्ड को चला के दिखाएंगे अगली वीडियो में। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में।